सो हेलो फूडीज, हाउ आर यू ऑल। आज हम बनाएंगे चिकन मोमोज, वो भी बहुत ही इजी वे में। मैंने सोचा रमजान चल रहे हैं, क्यों ना कोई चिकन की रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। तो सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे, उसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 कप मैदा। उसके बाद में हम यहाँ पे 1 टीस्पून नमक और थोड़ा सा ऑयल 1 टेबल स्पून जितना, इन तीनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे मैदे के साथ में। और एक बहुत ही सॉफ्ट आटा गूंथ के तैयार करेंगे मैदे का। पानी ना तो गर्म होना चाहिए और ना ही ठंडा होना चाहिए, नॉर्मल पानी हमें यूज़ में लेना है। और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमें आटा गूंथ के तैयार करना है सॉफ्ट। तो यहाँ पर हमने 1/2 ग्लास जितना पानी यूज़ में लिया है आटा गूंथने के लिए। और ये लीजिए, हमने एक अच्छा सा आटा गूंथ के तैयार कर लिया है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और एक बार और अच्छे तरीके से इसको गूंथ लेंगे। जितनी बार डो को इस तरीके से हाथों से गूंथोगे, डो और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। आटा गूंथ के तैयार हो चुका है, इस पर हम थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर देंगे, हाथों से अच्छी तरीके से फैला देंगे और इसको साइड में रख देंगे 1/2 आवर, या जब तक हमारा जो मोमोज की फीलिंग है वो बनकर तैयार नहीं हो जाती, ढक कर रख देंगे। उसके बाद में अब हम एक पैन लेंगे, उसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद में हम इसमें नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून जितना। चिकन हमने लिया है 500 ग्राम, इसको अच्छी तरीके से धो लिया है। बोनलेस चिकन है ये, अगर आपके पास में नॉर्मल चिकन होता है तो आप उसको उबालने के बाद में उससे आप बोन सेपरेट कर सकते हो। अब हम पानी गर्म करने के बाद में चिकन इसके अंदर ऐड कर देंगे और 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर चिकन को उबलने देंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चिकन को बिना बॉईल किए हुए उसकी फिलिंग बनाते हैं, आप वैसे भी बना सकते हो। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, गैस को हम बंद कर देंगे, चिकन अच्छी तरीके से उबल चुका है। अब हम इसको दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे अच्छी तरीके से पानी निकाल के, और इस चिकन को ठंडा होने देंगे। जब एक बार चिकन ठंडा हो जाए इसको हम फाइनली चॉप करेंगे। अगर आप चाहो तो इसको मिक्सर जार में भी फाइनली चॉप कर सकते हो, और जो चिकन है वो अच्छी तरीके से उबल चुका है तो इसको आप हाथों से भी सेपरेट कर सकते हो, फाइनली चॉप कर सकते हो। सारा चिकन हमने इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है, थोड़ी सी देर के लिए इसको हम चला लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे, फाइनली चॉप कर लेंगे। और थोड़ी सी देर बाद में हमारा चिकन अच्छी तरीके से फाइनली चॉप हो चुका है। अब हम चलते हैं फिलिंग बनाने की तरफ मोमोज की। उसके लिए हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, इसको हम गर्म कर लेंगे। इसके अंदर 2 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड कर देंगे और 1 टेबलस्पून जितना फाइनली चॉप किए हुए जिंजर गार्लिक या क्रश किए हुए जिंजर गार्लिक ऐड कर देंगे। इनको 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर सोटे कर लेंगे। उसके बाद में 2 से 3 मीडियम साइज़ की जो ग्रीन चिली है उनको भी फाइनली चॉप करके ऐड कर लेंगे, थोड़ी देर के लिए सोटे कर लेंगे। अब हम यहाँ पर चिकन ऐड करेंगे। चिकन को अच्छी तरीके से हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे कंटिन्यू स्टर करते हुए। इसके बाद में हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/2 कप जितना फाइनली चॉप किया हुआ अनियन और 1/4 कप जितना शिमला मिर्च। यू कैन ऐड मोर और लेस एज पर योर टेस्ट। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इनको। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून जितना सॉल्ट, 1/2 टीस्पून जितना ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून विनेगर। जो सॉल्ट है वो आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो सोया सॉस और विनेगर हम जो ऐड करते हैं वो ऑलरेडी थोड़ा बहुत सॉल्ट कंटेन करते हैं। इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। उसके बाद में जो ग्रीन लीव्स होती है अनियन की वो ऐड कर देंगे, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इनको एक बॉल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे ठंडा होने के लिए, क्योंकि हमारी जो फीलिंग है वो बन के तैयार हो चुकी है। जब मोमोज की फीलिंग अच्छे तरीके से ठंडी हो जाए उसके बाद में ही हमें इसको काम में लेना है। अब जो हमने डो बना के तैयार करा था मैदे का वो अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। अब हम इसको एक बार और अच्छी तरीके से इसी तरीके से हाथों से गूंथते रहेंगे। ये देखिए, जो आटा है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। इससे क्या है, मोमोज बहुत ही अच्छे और पतले बनेंगे। जो मोमोज की शीट है वो बहुत ही पतली बनेगी। अब हमने थोड़ा सा सूखा मैदा ले लिया है यहाँ पर। उसके बाद में हम छोटी सी बॉल बनाएंगे मैदे की और उसको अच्छी तरीके से गोल करेंगे, आटे से ऐसे फिल करेंगे और इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। मैदे की छोटी सी रोटी, एकदम पतली सी रोटी बना के हमको तैयार करनी है। एकदम पतली शीट होनी चाहिए, जितनी पतली आपकी मैदे की शीट होगी आपके मोमोज उतने ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और टेस्टी बनेंगे।
अब हम एक चम्मच इसके अंदर जो हमने फिलिंग बना के तैयार करी थी चिकन की, वो ऐड कर देंगे और इस तरीके से प्लेटिंग करना स्टार्ट करेंगे एक साइड से, और दूसरी साइड से इस तरीके से चिपका देंगे। बहुत ईजी है इस तरीके से मोमोज बनाना। एक बार और मैं आपको दिखा देती हूँ, इसको तो प्लेट में रख देती हूँ। उसके बाद में हमने एक और छोटी सी बोल बनाकर इसको बेलना स्टार्ट करा है। एकदम पतली शीट बनाएंगे मोमोज की, सॉरी मैदे की। उसके बाद में हम इसके अंदर एक चम्मच फिलिंग ऐड करेंगे, और फिलिंग ऐड करने के बाद में प्लेटिंग करना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से हमें प्लेट बनानी है, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़कर, एंड देन जो बचा हुआ है उसको इस तरीके से चिपका देंगे, और ये हमारा दूसरा मोमोज भी बनके तैयार है। एक और इजी तरीका है जो स्ट्रीट में दिए जाते हैं मोमोज, उस टाइप में एकदम पतली शीट बना लेंगे। उसके बाद में इसके अंदर एक चम्मच जो है वो चिकन की फिलिंग ऐड कर देंगे, और इस तरीके से हमें प्लेटिंग बनानी है। चारों तरफ प्लेटिंग बना के इस तरीके से गोल करके थोड़ा सा बीच से प्रेस कर देना है, और ये हमारे मोमोज बन के तैयार हैं। हमने बहुत सारे मोमोज बना लिए हैं। अब हम चलते हैं स्टीमर की तरफ मोमोज को स्टीम करने। हमने यहाँ पे इडली स्टीमर जो होता है वो काम में लिया है। अगर आपके पास में स्टीमर नहीं है तो यहाँ पर एक वीडियो है जो मैं आपको आई बटन में दे रही हूँ, जो मैंने विदाउट स्टीमर वीडियो बनाया है वो। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डालकर इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, स्टीम होने देंगे। उसके बाद में हम प्लेट्स लेंगे, उसके अंदर थोड़ा ऑयल ग्रीस करेंगे, मोमोज प्लेस करेंगे इसके ऊपर, मोमोज के ऊपर ऑयल इस तरीके से लगा देंगे और इनको रख देंगे। जैसे मैं रख रही हूँ उसी तरीके से दूसरा वाला भी हमने तैयार कर लिया है, इनको ढक के रख देंगे। 5 से 7 मिनट तक ही हमें इनको मीडियम फ्लेम पर स्टीम करना है, और आफ्टर 5 to 7 मिनट्स हमारे जो मोमोज हैं वो अच्छी तरीके से स्टीम हो चुके हैं। ये देखिए हम इनको ट्रांसफ़र कर लेंगे। मोमोज की चटनी जो है वो भी मैंने इसका भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, इसका लिंक मैं आपको आई बटन या जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें प्रोवाइड करवा दूंगी। मोमोज बनके हमारे तैयार है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप इसको एंजॉय कर सकते हो चटनी और मेयोनीज के साथ। मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।